बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे कॉलेज में आज मौजूद, दक्ष चले गए या हैं? जाना मत, जैसे ही शो खत्म होगा उसके बाद तुम्हारा चुनाव होगा। जाना नहीं, राजनीति के कई गुण से बच के रहना, जैसे अच्छी बात है राजनीति में आना, लेकिन सेवक बन के आना पड़ेगा, प्रधान सेवक बनकर के आना पड़ेगा, कुछ भी बन के आइए। मैं बताऊं, लेकिन सुन मेरे, इस तरह से मत आना जैसे भी मेरे कांग्रेस के भी बता रहे थे, खुजा के दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे, ऐसा मत करना। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझसे लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियंस के तमाम गुण होते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे लोग हैं। कई लोग तो वास्तव में जिनका अनुसरण किया जा सकता है, जिनको फॉलो किया जा सकता है, ऐसे लोग मौजूद हैं पॉलिटिक्स में। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ जो होता है बड़ा जबरदस्त होता है, और इतनी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। और वो एक शेर तो मैं अक्सर बोलता हूं, और कहिए तो मैं सुना दूंगा आपको। हाँ जी, सुनवाइए, फरमाइए। नहीं इरशाद, लखनऊ का कोई है यहाँ पे? अरे साहब, अच्छा निशान जी, आप तो कहते हैं मैं गुजरात का, मैं फिर लखनऊ का कैसे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखिए ये मेरे को कहना पड़ेगा, आप कहें, आपको नाराज नहीं होना चाहिए, ये इनकी पोजीशन ये है, ये 3 में ना 13 में 67 कैंडिडेट इनके जमानत जब्त हुए, खुजाएंगे ये खड़े होके, खुजाएंगे ये 67 कैंडिडेट। इसे कांग्रेस जीरो पे इसलिए है कि आपकी तरफ झूठलॉजी नहीं आता है बेचारा को, झूठलॉजी सीखना पड़ेगा। प्रदीप भाई, इन बच्चे से पूछ लो कांग्रेस सच बोलती है झूठ बोलती है, राहुल गांधी समझदार है क्या? झूठलॉजी मैं नहीं बनवा। अच्छा सुनिए, मैं एक बात देखिए, बड़ा अच्छा लगा सुन के 3-13, पर भैया जे बताओ, सात में 48, सात के पहाड़े में 48 का आता है, जे बता दो। दिल्ली ने आपको कोलगेट का छोटा पैकेट बना के छोड़ दिया, कोलगेट का छोटा पैकेट हो, इससे ज्यादा नहीं जैसा कांग्रेस, कोलगेट का छोटा रैपर तो, छोटा पैकेट तो हम है, और ये रैपर बनने के काबिल नहीं रहे। देखो, मैं बहुत अच्छा शेर सुनाने जा रहा था, अच्छा शेर था, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का शेर है, कहिए तो मैं सुनाऊंगा। देखिए, मैं तो आप ही जैसा हूं, जहां आप कहेंगे मैं सुना दूंगा, सुनाऊं भाई? शुक्रिया। अरे भाई पाजी, अरे मैं उधर पूछ रहा हूं, ऊपर पूछ रहा हूं, सुनाऊं? वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। अगर बिहार वाले को इतना अच्छा लग रहा है तो फिर यही लाइन छोड़ देते हैं, एक ही लाइन में काम चला लो। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। बहरहाल मैं यहां पे मौजूद हूं, मेरे कॉलेज में, मैंने यहीं पे खत्म किया था, आगे जा, मैंने ब्रेक लिया था, प्लीज साइलेंट साइलेंट, मैंने ब्रेक लिया था और मैंने कहा था यासिर और अमित, अमित ने बताया था ना, अमित ने कहा था मैं गया के रहने वाला हूं, और बहुत जल्द वहां जाने वाला हूं बिहार, क्योंकि यहां खत्म हो चुके हैं, वहां शुरू होने वाले हैं, तो मैं वहां चला जाऊंगा। कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारे मन में है? जी सर, मेरा अभी से माइक पकड़ते हो? हाँ जी सर, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, सर आपका प्रयोग सफल हुआ, आप साहनी बाग कब खाली करवा रहे हैं? क्या करते हैं आप, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एमबीए कर रहा हूँ सर। एमबीए कर रहे हैं, शाहीन बाग है, शाहीन बाग, हाँ कोई बात नहीं, शाहीन बाग कब खाली करवा रहे हैं? चलिए, मैं आई एम नॉट आस्किंग, सवाल बहुत अच्छा करें, मैं आई एम नॉट आस्किंग। नहीं नहीं, देखिए मैंने, मेरा नहीं, मेरा खड़ा हो जाओगे तुम लोग ना, दिल्ली के लोगों का ये पूछना है, दिल्ली के लोगों का, तमाम जो दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है, 50% से ज्यादा इन्हें पसंद किया है, वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर आप शाहीन बाग पे आप क्या सोच रहे हैं, क्या फैसला लेंगे? नहीं नहीं, आप क्या फैसला लेंगे? प्रतीक जी, आज मुझे लग रहा था कि डिबेट बच्चों के बीच में, कॉलेज में पढ़ने, तो शिष्टाचार हम दिखाएंगे, ये जब भी तो फॉलो करेंगे, कोई शिष्टाचार दिखा नहीं रहा आज भी, वो चिल्लम चिल्ली एक दूसरे के बीच में। अच्छी बात कही भारत जी ने, अच्छी बात कही, बच्चे ने उसी शिष्टाचार के नाते, एक बच्चे ने छोटा सा सवाल पूछा कि शाहीन बाग कब खाली? चलिए ठीक है।